हमारे शहदा को भूलना नहीं चाहिए। और ये चीज मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अब टाइम के साथ साथ हम इस चीज को भूल गए हुए हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप सब दोस्त कल आज के दिन अपने अपने घरों में या जहाँ जहाँ भी आप लोगों का सांस ले रहे हैं, हमें उनको याद करना चाहिए 14 अगस्त वाले दिन। और हमें सबकी लाजवाब नेमत है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है। मैं आज़ादी के इन तमाम शहदा को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए करके हमारे लिए एक अलहदा वतन हासिल किया, जिसकी अजाब फजाओं में हम आज सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान हजरत अलामा मोहम्मद इकबाल के हाथों की तबीर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह कमजोर है मगर हमारे जज्बे आज भी मजबूत है। या अल्लाह इस वतन अजीज को इज्जत और मुकाम अता फरमा। या रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم। प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो आज हमारे कायम काम प्रेसिडेंट ही है, उनसे दरहास करूंगा कि पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपने खूबसूरत अल्फाज से बयान फरमाए। बरसा दे। बेसिकली तो मैंने शुरू कहा था, लेकिन चले ऑफिशियली भी इसको कर लेते हैं। मौसिन हाजिर ने कराम अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त।